नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, केजीएफ स्टार यश बाबू ने जो है अपनी टॉर्चर मूवी की जो है बहुत ही बड़े तरीके से जो है अनाउंसमेंट कर दी। दोस्तों, संक्रांति का जो फेस्टिवल आता है तो भाई तेलुगु सिनेमा साउथ मूवीज न कि सिर्फ साउथ, हर किस्म की जो मूवीज है वो अपनी जो है एक दमदार एंट्री लेने की कोशिश करती है और संक्रांति फेस्टिवल पर वो रिलीज होती है। तो भाई केजीएफ टू की अगर बात करें तो भाई वो जो है अप्रैल के महीने में यानी 14 अप्रैल 2022 में जो है केजीएफ 2 जो है रिलीज हुई थी, जिसकी यार 1000 करोड़ से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी, जिसमें जस्ट 70 करोड़ तो भाई जो है तेलुगु से मिले थे। तो भाई अभी यश की जो है टॉर्चर मूवी जो के भाई बहुत ही जल्द यानी 2025 में, इतनी भी जल्द नहीं है भाई, थोड़ा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगले साल जो है हमें इसी महीने में जो है अप्रैल के महीने में भाई जो है इसी डेट को यानी 10th अप्रैल को जो है हमें टॉक्सिक मूवी देखने को मिलेगी। यार यश भाई की जो है, यश यानी रॉकी भाई की जो है मूवी अगर टॉक्सिक आ जाती है मैदान में तो भाई और किसी मूवी की हिम्मत नहीं होगी कि भाई वो जो है अप्रैल के महीने में जो है रिलीज हो। ये एक बहुत ही बड़ा वेंचर है जिसमें जो है करीना कपूर जो है यश की जो है सिस्टर का रोल प्ले करेंगी और यश बाबू जो है डिफरेंट रोल्स हमें जो है प्ले करते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा जो है कियारा एडवाणी भी जो है फीमेल लीड रोल जो है प्ले करेगी। इतनी सारी खबरों के अनुसार ये जो है श्रुति हसन भी जो है इस मूवी में जो है फीमेल लीड रोल जो है प्ले करेगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। बल्कि बाकी अगर बात करें करीना कपूर और कियारा एडवाणी की, जो भाई ये जो है कंफर्मेशन हो चुकी है। तो भाई यश बाबू ने जो है अपनी जो है फाइनली जो है इस मूवी की रिलीज डेट जो है अनाउंस कर दी है। तो भाई इसको लेके आप कितने एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दे दिया, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।